गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था, उस लेक्चर में हमने केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और वो हमारा केमिकल स्ट्रक्चर पार्ट वन था। आज हम केमिकल स्ट्रक्चर पार्ट टू ले रहे हैं। पार्ट मीन्स कि ये जो टॉपिक है बेटा, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो हम इसे धीरे धीरे स्टेप वाइज करना चाहते हैं, राइट। आज अपन डीएनए के जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चारगाप रूल और हिस्ट्री पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, राइट। बच्चों, डीएनए की जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके तीन मेजर कंपोनेंट है और उसमें आता है नाइट्रोजन बेस, पेंटोज सुगर यानी डीऑक्सी राइबोज सुगर जो डीएनए में होती है, और आरएनए की बात करें तो राइबोज सुगर, और फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4। इज दैट क्लियर? सो थ्री मेन कंपोनेंट प्रेजेंट इन डीएनए, द वन इज नाइट्रोजन बेस, अनदर वन इज सुगर, एंड द लास्ट वन इज फॉस्फोरिक एसिड। इज दैट क्लियर? बच्चों, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। वैसे हम आगे इसका और डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड मीन्स होता है नाइट्रोजन बेस, सुगर और फॉस्फोरिक एसिड। जब तीनों बाइंड होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। और अगर केवल नाइट्रोजन बेस और सुगर बाइंड है तो फिर वो न्यूक्लियोसाइड है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोटाइड हैविंग ऑल थ्री कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस, सुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, व्हाइल न्यूक्लियोसाइड हैविंग ओनली टू कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस एंड सुगर। इज दैट क्लियर? ओके, दिस इज द वेरी बेसिक पार्ट। हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर? थ्री कंपोनेंट ऑफ डीएनए केमिकल स्ट्रक्चर, द वन इज नाइट्रोजन बेस, अनदर वन इज पेंटोज सुगर, एंड द लास्ट वन इज फॉस्फोरिक एसिड। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? नाइट्रोजन बेस, सुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? नाइट्रोजन बेस एंड सुगर, दैट मींस इन विच न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड इज एब्सेंट। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी डिस्कस द केमिकल स्ट्रक्चर इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक नाइट्रोजन बेस। ओके, सो बच्चों, अगर नाइट्रोजन बेस के बारे में बात की जाए तो नाइट्रोजन बेस एक रिंग लाइट स्ट्रक्चर इनकी होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? रिंग लाइट, इस तरह से। करेक्ट, एक सिक्स कार्बन की रिंग होती है और एक फाइव कार्बन की रिंग होती है, और इस रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब स्ट्रक्चर बताएंगे तो आपको उसमें क्लियर होगा। सो नाइट्रोजन बेस रिंग लाइट स्ट्रक्चर है, एक सिक्स कार्बन की रिंग और एक फाइव कार्बन की रिंग, करेक्ट, और रिंग में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। ये बेसिक पार्ट है, कोई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन मेन पार्ट देखिए। नाइट्रोजन बेस डीएनए में जो होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक प्यूरीन कैटेगरी और एक पायरिमिडीन कैटेगरी। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस? टू टाइप ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन के अंदर जो नाइट्रोजन बेस आते हैं वो दो होते हैं, एडेनिन सिंबल ये होगा, गवानिन जी। दोनों ही डीएनए में होते हैं, दोनों ही आरएनए में होते हैं, यानी बोथ प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए में भी और आरएनए में, दोनों में होते हैं।
राइट, यानी प्यूरिन में एडेनिन और गवानिन नाइट्रोजन में से जो डीएनए में भी होते हैं आरएनए में भी होते हैं। प्यूरिन जो है उनकी स्ट्रक्चर में दो रिंग होती है, एक 6 कार्बन रिंग और एक 5 कार्बन रिंग। मैं साथ साथ स्ट्रक्चर भी डिजाइन कर देता हूं। अगर एडेनिन की बात करें तो एडेनिन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। बट बच्चों स्ट्रक्चर जरूर अभी आप सीख लो, क्योंकि आजकल केमिकल स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो मेडिकल एग्जामिनेशन में या फिर बोर्ड में स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने लगने में, तो स्ट्रक्चर आप अच्छे से देखेंगे और आसान है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। राइट, तो पहले अपन रिंग बना लेते हैं। राइट बच्चों, अब देखिए इसमें कुछ नहीं, आपको सी एन सी फॉर्मूला फिट करना है। देखिए कैसे, सी एन सी एन सी एन सी एन सी, सी एन सी फॉर्मूला लगाना है। राइट, अब वैलेंसी पूरी कर दो। यहां पर NH2 ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, एडेनिन, एडेनिन में यहां पर NH2 ग्रुप होगा। राइट, अब आप वैलेंसी देखिए, कार्बन की 4 वैलेंसी है तो पूरी करने के लिए यहां पे डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। राइट बच्चे, और यहां नाइट्रोजन की 3 पूरी है, कार्बन की 3 है, तो एक पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, ये डबल बॉन्ड होगा और इस तरह से ये आपकी केमिकल स्ट्रक्चर डिजाइन हो चुकी है। इसकी नंबरिंग थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, केमिस्ट्री में मुझे नहीं पता आप कैसे नंबरिंग करते हैं, हम यहाँ बॉन्डिंग के बेस पर नंबरिंग देख रहे हैं। तो इसकी नंबरिंग इस तरह से होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट, इस तरह से ये बॉन्डिंग, ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है बच्चों। This is structure of adenine. Adenine की structure है। अब गवानिन की structure देखो। अब देखो जब compare करोगे तो ये आसान हो जाएगा। देखो, अब हम गवानिन की structure अगर design करें तो कुछ इस तरह से होगी। देखो, वही पहले formula fit करो। C N C N C N C N C. Correct? है ना बेटा? अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क होगा वो देख लीजिए आप। डबल बॉन्ड O होता है और इसमें क्या होता है, NH2 होता है। राइट, अब वैलेंसी पूरी कर, हाँ NH2 होगा जरूर, NH2 होगा जरूर। अब आप वैलेंसी कर दो पूरी, 2 रिंग 3 रिंग 4 पूरी है कार्बन की, तो नाइट्रोजन की पूरी करने के लिए H लगा दीजिए, ये डबल बॉन्ड हो गया। बाकी ये वाला पार्ट तो सेम है एकदम, ठीक है। तो बस क्या फर्क है आप देखिए, यहाँ NH2 है और यहाँ डबल बॉन्ड हो है, NH2 जरूर लेना है आपको। करेक्ट, तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ गवानिन, और नंबरिंग कैसे करेंगे उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दैट इज एडेनिन एंड गवानिन। आप देख रहे हैं एक 6 कार्बन रिंग है और एक 5 कार्बन रिंग है, नाइट्रोजन जरूर प्रेजेंट है, और प्यूरिन में 2 होते हैं, एक एडेनिन होता है और एक गवानिन होता है। करेक्ट, और दोनों ही डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट है। ठीक बात, इसके बाद देखिए, अब अगर हम बात करें पाइरिमिडिन की, तो पाइरिमिडिन में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आता है। राइट, और पाइरिमिडिन की जो स्ट्रक्चर होगी उसमें केवल एक रिंग होगी और वो रिंग 6 कार्बन वाली रिंग होगी। राइट, और प्यूरिन में 2 रिंग होती है। अब अगर पाइरिमिडिन की बात करें तो ये दोनों तो डीएनए में होते हैं जबकि ये दोनों आरएनए में होते हैं, मतलब आरएनए में थायमिन नहीं होगा और डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा। करेक्ट, अब अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में टोटल 4 नाइट्रोजन बेस होगी, 2 प्यूरिन के और 2 पाइरिमिडिन के। राइट, आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन बेस होगी, 2 प्यूरिन के और 2 पाइरिमिडिन के। ध्यान रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी, प्यूरिन ऑलवेज बाइंड विद पाइरिमिडिन बट एडेनिन बाइंड विद थायमिन एंड गवानिन बाइंड विद साइटोसिन, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन बाइंड विद यूरेसिल एंड लाइक गवानिन बाइंड विद साइटोसिन, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग। राइट, समझ आया यहां पर अच्छे से? तो बच्चों इस तरह से ये 4 नाइट्रोजन बेस,
तो अब मैं आपको एक बार थायमिन की और उसकी स्ट्रक्चर भी बता दूं। देखो इस तरह से बहुत आसान पार्ट है ये हमारा। देखिएगा यहां पर अपने को वही स्ट्रक्चर में फॉर्मूला हो जाएगा सी एन सी एन सी, है ना, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका सी, करेक्ट। इसी तरह सी एन सी एन सी 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 एन सी एन सी सी, करेक्ट। अब अपने देखो यहां पर क्या करना है, यहां पर H जरूर होगा और यहां पर डबल बॉन्ड होगा, यहां पर H, ठीक है। अब अपने देखो बैलेंस करो इसको, चार पूरी है नाइट्रोजन का पूरा करने के लिए H लगा देंगे, यहां डबल बॉन्ड हो सब में है तो ये कॉमन चीज है सब में रख दो, ये डबल बॉन्ड आएगा सब में, ये डबल बॉन्ड रख दो, करेक्ट। अब बाकी बैलेंस बैलेंस ही देख लीजिए बच्चों, ये चार पूरी है, ये तीन पूरी है, यहां पर H H CH3H H H, बस इसमें ये ध्यान रखो यहां पर NH2 ग्रुप है, क्या है NH2 ग्रुप है, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इसमें, राइट। तो ये यूरेसिल की स्ट्रक्चर है और ये थायमिन की। अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूं, यूरेसिल और थायमिन की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, नंबरिंग भी वैसे ही करनी है 1 2 3 4 5 6, तो इसके पांच नंबर कार्बन पर मिथाइल है, तो इसलिए आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसका नेम दे रखा है 5-methyl-uracil। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थायमिन का ही आईयूपीएसी नेम है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरेसिल एंड थायमिन, ओनली मिथाइल ग्रुप, बाकी स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, देखिए। और साइटोसिन, और याद करने का तरीका बता दो, एडेनिन किससे बाइंड होता है, या तो यूरेसिल से और या थायमिन से, तो जब एडेनिन पर NH2 है तो इन दो इन पर NH2 नहीं होगा, इन पर डबल बॉन्ड होगा, राइट। और गवानिन किससे बाइंड होता है, साइटोसिन से, तो जब गवानिन पर डबल बॉन्ड हो है तो साइटोसिन में क्या होगा, NH2 होगा। याद करने का ये तरीका है, समझ आ गया ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सभी के, और स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब क्या देखते हैं, देखो नाइट्रोजन बेस बाइंड विद सुगर वन कार्बन बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन बेस किससे बाइंड होते हैं, सुगर के एक नंबर कार्बन से बाइंड होते हैं, और कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो मैं एक बार आपको बाइंडिंग करके दिखा देता हूं, एक पाइरिमिडिन की बाइंडिंग कर देता हूं और एक प्यूरीन की बाइंडिंग कर देता हूं, राइट। तो इस तरह से देखिए, साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, पहले अपन सुगर बना लेते हैं इस तरह से, ये सुगर है हमारी पांच कार्बन की, है ना, सी एच ओ एच सी एच एच डीऑक्सीराइबोस सुगर बना रहे हैं, सी एच टू ओ एच, ये पांच कार्बन की सुगर हो गई है हमारी, नंबरिंग 1 2 3 4 और 5, ये सुगर है, ठीक है, ये हमारी सुगर हो गई। अब सुगर के साथ क्या बाइंड करना है, नाइट्रोजन बेस, कौन से सुगर के कार्बन से बाइंड होगा, एक नंबर से, और बॉन्ड कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे बाइंड होती है इसकी बाइंडिंग, पहले मैं आपको इसके साथ थायमिन बाइंड करके दिखाता हूं, राइट। तो थायमिन कैसे बाइंड होगा, थायमिन की ये वाली स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम, इस तरह से ये बाइंडिंग होगी, सी एन सी एन सी सी, इसको हमने इस तरह से रोटेट किया, मैंने इसको ये वाला पार्ट इस तरह से लिया, राइट। तो यहां पर डबल बॉन्ड ओ है, यहां पर आपका एच है, करेक्ट, दो रिंग चार पूरी है, और ये आपका डबल बॉन्ड ओ है, ये एच है, ठीक है, और ये एच और ये भी एच, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बाइंडिंग कैसे होगी, देखो नंबरिंग कैसे बताई मैंने, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखना ये पाइरिमिडीन है, पाइरिमिडीन अपने तीन नंबर की पोजीशन से जुड़ेगा, यानी ये बात ध्यान रखना, पाइरिमिडीन अपनी थ्री नंबर की पोजीशन से बाइंड होगा और प्यूरीन अपनी नाइन नंबर की पोजीशन से बाइंड होगा और होंगे एक नंबर से, राइट। तो ये पाइरिमिडीन का ये थ्री नंबर है ना, ये बाइंड होगा, देखो कैसे, ये देखो यहां से H
OH बाहर निकाल दीजिए, यानी H2O बाहर गया, और ये वाला आपका बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, ये बॉन्ड बन गया आपका ग्लाइकोसिडिक, राइट। तो इस तरह से ये शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस बाइंड होता है, ठीक है ना। अब ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है जो ग्रीन कलर में मैंने दिया, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है आपका, ये वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। इस बॉन्ड का एंगल 51 डिग्री होता है, पूछे तो आपसे इतना डीपर क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन देखो मेन चीज देखो, जब शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस बाइंड होता है तो एक वाटर का लॉस होता है, यानी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ध्यान रखना, करेक्ट। और दूसरी बात, इसका सीक्वेंस पूछ सकता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, तो सीक्वेंस क्या हो गया, देखो इधर क्या है H, ये क्या है C और ये क्या है N, तो सीक्वेंस क्या हो गया HCN, ये इसका सीक्वेंस हो गया बॉन्ड का, सीक्वेंस ध्यान से देखो HCN, ठीक है ना। तो ये बॉन्डिंग समझ आ गया आपको, ठीक है। इसी तरह आप एडेनिन बाइंड कर सकते हो, एक बाकी सारे जो पायरिमिडिन है वो इसी तरह से बाइंड होंगे, ठीक है, यानी थ्री नंबर पोजीशन से ही बाइंड होंगे, ठीक है। अब आप इधर देखो, इसके बाद अपने एक आपको बाइंड करके दिखाते हैं, एडेनिन बाइंड करके दिखाते हैं, देखो एडेनिन कैसे बाइंड होगा, इस तरह से एडेनिन की स्ट्रक्चर डिजाइन करो, और सी एन सी एन सी सी एन सी एन। अब सीधी स्ट्रक्चर में ये देखो, नाइन नंबर पोजीशन वाला ये है, ये एच है यहाँ, तो बस इस तरह से ये बाइंड हो जाएगा यहाँ से, और ये आपका मैंने बताया था जब भी बाइंड होगा वाटर बाहर निकलेगा और ये बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और बॉन्ड सीक्वेंस देखो क्या है, एच सी एन, ये H है ना शुगर का, एच सी एन, तो इस तरह से बॉन्डिंग आपको करनी है, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ बाइंड करता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल 51 डिग्री बता दिया, और एक वाटर का लॉस होगा, ठीक है। प्योर पायरिमिडीन 3 नंबर पोजीशन से बाइंड होगा, और प्योरिन 9 नंबर पोजीशन से बाइंड होगा, पोजीशन यहां पर आपके सामने मेंशन है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट क्या लिखा है, N base bind with hydrogen bond, यानी nitrogen base आपस में hydrogen bond से bind होते हैं, ठीक है। यानी adenine bind with thymine and guanine bind with cytosine, और ये hydrogen bond है, adenine और thymine में double bond और guanine और cytosine में triple bond। एक बात आपको मेरी ध्यान रखनी है अच्छे से, वो बात ये है कि hydrogen bond की complementary bonding है, देखो ये कैसी है complementary bonding, और हाइड्रोजन बेस्ड बॉन्ड जो है वो एक तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं डीएनए को, एक ये कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, और एक ये ध्यान रखना विड्थ कांस्टेंट रहती है डीएनए की, इन्हीं की वजह से, ये मैंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग है इसलिए डीएनए की विड्थ कांस्टेंट रहेगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हेल्प इन डीएनए सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग में हेल्प करते हैं, कैसे सीक्वेंसिंग में हेल्प करते हैं, देखो कि कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग है, आपको पता है। अब अगर एक डीएनए का सीक्वेंस आपको दे दिया कि ये है, और अगर आपको दूसरे का सीक्वेंस निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, देखो दूसरे का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए के साथ टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी, और टी के साथ ए, है ना। तो एक का सीक्वेंस पता है तो दूसरे का कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग होती है, करेक्ट। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और विड्थ कांस्टेंट रहती है इनकी वजह से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का भी, ये ध्यान रखना, और इन सब का रीजन है कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग होना, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन बेस का जो रोटेशन एंगल है वो 36 डिग्री है, और स्टोन भी किससे बाइंड होती है नाइट्रोजन बेस से, बाय द हेल्प ऑफ Mg+2, Mg+2 दो बाइकेटाइन लिंकर होते हैं हमेशा, और स्टोन जब क्रोमोसोम बनता है तो डीएनए के साथ स्टोन बाइंड होता है, तो किससे बाइंड होता है नाइट्रोजन बेस से। एक बार इसमें एक मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया था कि जो डीएनए और हिस्टोन का लिंक है इसको ब्रेक कैसे किया जा सकता है, तो इसको ब्रेक किया जा सकता है साइट से, यानी एनएसीएल से, है ना। इस लिंक को अगर ब्रेक करना है तो
क्या यूज करें अपन, NaCl यूज करें यानी साल्ट यूज करें, ठीक है ना। तो आज की पार्ट में मैंने केवल आपको नाइट्रोजन बेस के रिगार्डिंग बातें बताई है। इतना कम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में एक साथ इतना सारा देखना और समझना आपको दिक्कत होगी, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको देखिएगा, राइट। नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।